दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कार्तिक मास से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स की जो कि आज भी ज़्यादातर लोगों के लिए बिल्कुल अनजाने हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कार्तिक मास के महीने से जुड़े 6 अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी आज की ये वीडियो बिना किसी देरी के। आप सभी को राधे राधे। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है कृष्ण लोक। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं श्री कृष्ण और राधा रानी के लेटेस्ट भजन और साथ ही श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े हुए कुछ अनोखे तथ्य और रहस्य। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपसे मिस ना हो जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो बिना किसी देरी के। फैक्ट नंबर 1, इस मास को कुल 3 नामों से जाना जाता है। इनमें से पहला नाम है कार्तिक मास, दूसरा है दामोदर मास और अंतिम नाम है ऊर्जा व्रत। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों इसे कार्तिक मास कहा जाता है। दरअसल शिलारूप गोस्वामी जी की माने तो ये कार्तिक नाम राधा रानी के ही एक नाम में से आया है, क्योंकि राधा रानी का एक नाम कार्तिकेय देवी भी है। अगले नाम की बात करें तो वो है दामोदर मास। दोस्तों संस्कृत में दाम का अर्थ होता है रस्सी और उदर का मतलब होता है पेट। तो यानी कि ये मास वही मास है जिसमें यशोदा मैया ने नन्हे से श्री कृष्ण को रस्सी से बांधा था। दोस्तों अंतिम नाम की बात करें तो ये है ऊर्जा व्रत। इस मास को ऊर्जा व्रत के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस मास में व्रत करने से हमारे शरीर को बहुत सी ऊर्जा मिलती है और काफ़ी शक्ति मिलती है, इसीलिए इसे ऊर्जा व्रत के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों हर मास की एक कोई ना कोई अधिष्ठात्री देवी ज़रूर होती हैं। इस मास की अधिष्ठात्री देवी और कोई नहीं बल्कि हमारी श्री राधा रानी ही हैं। और ये बात तो इस चीज़ से भी ज़ाहिर हो जाती है कि इस मास का नाम ही श्री राधा रानी जी के नाम पर रखा गया है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों जैसा कि शास्त्रों में भी कहा गया है कि सभी नदियों में गंगा जी सर्वश्रेष्ठ हैं, सभी धामों में श्री वृंदावन धाम श्रेष्ठ है और सभी युगों में सतयुग सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, सभी पौधों में तुलसी माता श्रेष्ठ हैं और तो और सभी ग्रंथों में श्रीमद् भगवद गीता जी सर्वश्रेष्ठ हैं, ठीक उसी तरह से सभी मासों में कार्तिक मास को भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों इस महीने में किसी भी अन्य महीने के मुकाबले सबसे ज़्यादा त्यौहार आते हैं, जैसे कि धनतेरस, दीपावली, अहोई अष्टमी जिसे बहुल अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, गोवर्धन पूजा, शरद पूर्णिमा, भाई दूज, करवा चौथ, धनतेरस, गोपाष्टमी, रास पूर्णिमा और भी कई त्यौहार इसमें आ जाते हैं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों इसी कार्तिक मास में ही देवी तुलसी का प्राकट्य दिवस यानी कि अपीयरेंस डे भी मनाया जाता है। इसी कार्तिक मास में श्री तुलसी महारानी जी का प्राकट्य हुआ था। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आपको शायद इस बात की जानकारी ना हो कि सत्यभामा जो कि श्री कृष्ण की प्रमुख रानियों में से एक थी, उनका विवाह श्री कृष्ण से कैसे हुआ। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि उन्होंने अपने पूर्व जन्म में कार्तिक मास के व्रत का बहुत ही दृढ़ता से पालन किया था, इसीलिए उनको अगले जन्म में श्री कृष्ण की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इस पर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही ऐसे और भी रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे। चरणों में दे दे मुझे विश्राम राधे।